अस्सलाम वालेकुम। आज इंग्लिश के कई लेवल होते हैं, जैसे कि 6 लेवल होता है। बेसिक इंग्लिश A1, A2, B1, B2, C1, C3, टोटल 6 होते हैं। तो थैंक यू को कितने तरह से बोल सकते हैं हम लोग? थैंक यू A1 होता है, थैंक यू A2 होता है, आई अप्रिसिएट इट, मैनी थैंक्स, मच अप्रिसिएटेड, आई एम ग्रेटफुल। तो इस तरह से हम थैंक यू को बोल सकते हैं। सबसे अच्छी बोलेंगे कोई को अगर शुक्रिया अदा करना है, आई एम ग्रेटफुल। थोड़ा इससे अगर लो में जाते हैं, मच अप्रिसिएटेड, मैनी थैंक, आई अप्रिसिएट इट, बहुत बार आपने सुना होगा, मैं आई एम ग्रेटफुल। ये थोड़ी अच्छी इंग्लिश है, बोलने की कोशिश ज़रूर करें। थैंक यू के जगह आई एम ग्रेटफुल एक बार कोशिश करें, ज़रूर होगा। उसके बाद है सॉरी। A1 अगर लेवल पे बोलते हैं, कोई भी काम होता है यार, हम बोलते हैं सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगा, आई एम सॉरी। उसके बाद A2 में होता है आई अपोलोजाइज, कोई वादा किए किसी से अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो भी बोलते हैं अपोलोजाइज, कोई गलती हुई आई अपोलोजाइज, माई अपोलोजीज, आई डीपली रिग्रेट। ये अच्छा है, इसको याद कर लें। सॉरी की जगह बोले आई डीपली रिग्रेट या आई सिंसियरली अपोलोजाइज। तो ये C1 और C2 को बोलने की कोशिश करें। गाइस बोलते बोलते आता है, मुझे भी नहीं आता था, मगर मैं कोशिश करता हूँ सीखने की, आप भी करें, आपको भी आएगा। उसके बाद है यस। कोई भी काम के साथ श्योरिटी होती है तो हम लोग बोलते हैं श्योर श्योर। श्योर तो बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादातर हम लोग यस बोलते हैं। तो श्योर बोलना की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, अनक्वेश्चनेबली, ये सबसे अच्छा है C2 में। सबसे अच्छा इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो अनसर्टेन, इसको अनक्वेश्चनेबली बोल सकते हैं। तो इस तरह से यस का कई तरह का फॉर्म होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करें अस अनक्वेश्चनेबली, ये बोले यस की जगह, या डेफिनेटली मैं ये काम करूँगा, तो थोड़ी इंग्लिश अच्छी होती है। उसके बाद नो है, कोई काम अगर नहीं करना है, कुछ नहीं पसंद, नो 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 आई एम नॉट गोइंग, बोलते हैं नो थैंक्स, आपकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं समझता, नॉट रियली, आई डाउट इट, कोई काम में डाउट। मगर इसको सब में नो है, हम कई तरह से इसको नो को बोल सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह C2 में जाएंगे तो बाय नो मीन्स। इस तरह आज का लेसन था।